हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोड फ्रीज। सो आज हम लर्न करेंगे अबाउट मेमो एंड यूज कॉल बैक मेथड्स का टू मेक आवर रिएक्ट कंपोनेंट्स ऑप्टिमाइज्ड एंड मेमोइज्ड, जो हेल्प करेंगे टू इंक्रीज आवर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। नाउ फ्रॉम मेमोइज से गाइस मतलब है यहाँ कि रिएक्ट कंपोनेंट्स को अननेसेसरी री रेंडरिंग प्रोसेस में जाने से स्टॉप करना एंड हेंस सेविंग अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड बूस्टिंग योर ऐप परफॉर्मेंस। सो लेट्स जंप इन टू द VS कोड एंड सी कि कैसे हम मेमोइज कॉम्पोनेंट्स अचीव करेंगे बाय नॉट लेटिंग आवर कॉम्पोनेंट्स री रेंडर अननेसेसरीली इन आवर रिएक्ट ऐप। सो गाइज, आई वेंट अहेड एंड क्रिएटेड अ रिएक्ट ऐप यूजिंग npx create react app command एंड मैंने यहाँ पर रन कर दिया है अपना लोकल सर्वर एंड आवर ऐप इज़ रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। तो गाइज, फर्स्ट थिंग हम जो लर्न करेंगे वो होगा हमारा रेंडरिंग प्रोसेस ऑफ आवर कॉम्पोनेंट्स एंड सी कि हमारा कॉम्पोनेंट कब एंड क्यू री रेंडर होता है। सो गाइज, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड कुछ लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड करूँगा अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट में एंड ऐड कर लूँगा साथ ही में कुछ इमोजी टू मेक इट लुक मोर इंट्यूटिव। तो यहाँ पे गाइस हमने अपनी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली है एंड यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करूँगा जिसको हम टेक्स्ट देंगे शो हाइड मेन्यू एंड इस बटन में एक इवेंट ऐड करूँगा मैं ऑन क्लिक का, जो ट्रिगर करेगा हमारा फंक्शन हैंडल टॉगल मेन्यू एंड इस फंक्शन को गाइज हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल होगा गाइज हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट को हाइड या शो करने के लिए, तो इसके लिए हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट हम तभी शो करेंगे जब हमारा शो मेन्यू स्टेट जो है वो ट्रू होगा। तो इस स्टेट को हम यूज स्टेट हुक से क्रिएट करेंगे एंड इंपोर्ट कर लेंगे हमारे यूज स्टेट हुक एंड जो इनिशियल स्टेट होगी गाइस इसकी होगी वो फॉल्स। और जब हम क्लिक करेंगे हमारे बटन में सेट शो मेन्यू को हम टॉगल करेंगे हमारी प्रीवियस स्टेट के ऑपोजिट। तो चलते हैं हमारे वेब पेज में एंड चेक करते हैं। तो एज यू कैन सी गाइस, जो हमारा इनिशियल स्टेट है शो मेन्यू का वो फॉल्स है, इसलिए हमारा मेन्यू हिडन है एंड एज सून एज अ हिट टॉगल बटन तो हमारा जो मेन्यू आइटम है वो डिस्प्ले होते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा रेंडरिंग कब होता है कंपोनेंट का, इफ़ वी यूज़ console.log एंड राइट रेंडर इन आवर console.log। तो यहाँ पे गाइस अगर हम रिफ्रेश करते हैं अपनी एप्लीकेशन को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा इनिशियल रेंडर है वो console.log हो चुका है एंड एज सून एज आई चेंज द स्टेट ऑफ आवर कंपोनेंट जो हमारा कॉम्पोनेंट है वो अगेन रेंडर होता है। तो एज यू कैन सी गाइस, जब भी हम अपनी स्टेट चेंज करते हैं कॉम्पोनेंट की तो दोबारा जो हमारा कॉम्पोनेंट है वो रेंडर होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। नाउ इफ़ वी गो अहेड एंड ऐड अ चाइल्ड कॉम्पोनेंट टू आवर ऐप कॉम्पोनेंट, हम यहाँ पे RAFC का यूज़ करके एक चाइल्ड कॉम्पोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम हेडिंग दे देंगे चाइल्ड कॉम्पोनेंट हियर एंड यूजिंग HR टैग्स हम सेपरेट कर लेंगे हमारा पेरेंट कॉम्पोनेंट विद आवर चाइल्ड कॉम्पोनेंट एंड इम्पोर्ट कर लेंगे चाइल्ड कॉम्पोनेंट को।
and if we put a console.log inside our child component, and see कि ये कब कब render हो रहा है, जब हम इसमें कोई भी props pass नहीं करा रहे हैं, तो let's see. So guys, as soon as we our refresh application, तो जो हमारा initial render है of our parent component and our child component, वो console.log होता है. And as soon as I toggle our menu, तो जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट का रेंडर है वो भी वो लॉग हो रहा है, एंड आवर चाइल्ड कंपोनेंट का रेंडर वो भी लॉग हो रहा है. एंड एज आई सेड, बिना किसी प्रॉप्स को पास कराए तभी भी हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है. सो गाइस, दिस इज़ कॉल्ड अननेसेसरी री रेंडरिंग ऑफ आवर कॉम्पोनेंट्स. सो गाइस, टू स्टॉप आवर चाइल्ड फ्रॉम री रेंडरिंग अगेन एंड अगेन, जिससे हमारी मेमोरी में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है एंड जो हमारी एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमाइज नहीं रहती है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेमो मेथड का, जो हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम आवर रिएक्ट एंड रैप कर देंगे हमारे कंपोनेंट को विद इन दिस मेमो फंक्शन. एंड नाउ इफ़ वी गो अहेड एंड रिफ्रेश आवर एप्लीकेशन, तो वी कैन सी आवर इनिशियल रेंडर हैज़ बीन लॉग्ड. And as soon as we click on our toggle menu, तो now जो हमारा render होता है वो run होता है सिर्फ for parent component and not for our child component, because हम use कर रहे हैं यहाँ पे memo function जो हमें return करेगा हमारा memoist function. Until and unless जो props हम यहाँ पे pass करेंगे अपने child component में वो जब तक change नहीं होंगे तब तक हमारा जो child component है वो भी re-render नहीं होगा. So for example, if I pass show menu state to our child component and now go ahead and click on show I toggle, तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे show menu state जो है वो pass करा रखी है अपने child में and जो change हो रही है on toggling of this button, तो इसलिए हमारा जो child है उसको एक dependency मिल चुकी है from our parent component, and as soon as the dependency is changing, तो इसीलिए हमारा जो child है वो भी re-render हो रहा है. And if we go ahead and create another state, let's say count, and give its initial value as 0, and instead of our show menu, we pass count as a prop to our child component, and again refresh our application and check. तो हमारा जो child component का rendering process है वो again stop हो जाता है, क्योंकि जो हमारी यहाँ ऊपर dependency थी show hide menu as a prop to our child component जो हम pass कर रहे थे previously, वो अब हम नहीं कर रहे हैं. Instead हम pass कर रहे हैं count स्टेट जो चेंज नहीं हो रही है ऑन क्लिकिंग आवर शो हाइड मेन्यू बटन. तो इसीलिए गाइस, जो प्रॉप्स हम पास करेंगे एज टू आवर चाइल्ड कंपोनेंट्स, इफ़ दे आर चेंजिंग इन आवर पेरेंट कंपोनेंट, तभी हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रीरेंडर होगा. एंड अनटिल एंड अनलेस, जब तक नहीं कुछ भी चेंज होगी हमारी प्रॉप्स की स्टेट पास डाउन टू आवर चाइल्ड कंपोनेंट, तब तक हमारा जो चाइल्ड है वो रीरेंडर नहीं होगा. If we use memoist function to wrap our child component within it, and now if we use this count जो हमारे parent component से आ रही है to display in the JSX of our child component, again हम emoji का use करेंगे to display our total count. एंड यहाँ पे गाइस हम ऐड करेंगे दो बटन्स जो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू इंक्रीज एंड डिक्रीज आवर काउंट. एंड सिमिलरली हम ऑन क्लिक पे फंक्शन हैंडल करेंगे
to increase and decrease count. तो इन फंक्शंस को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग एरो फंक्शंस एंड हम डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न करा देंगे हमारे सेट काउंट स्टेट को बाय इंक्रीजिंग इट फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेट विथ वन. एंड सिमिलरली जो हमारा डिक्रीज फंक्शन हैंडलर है उसको भी हम रिटर्न करा देंगे बाय डिक्रीजिंग द काउंट विद वन वैल्यू. तो या गाइस लेट्स सी इफ इट हाउ इट इज़ वर्किंग. तो यहाँ पे शो हाइड मेन्यू है जो अपने हमारे पेरेंट कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है एंड जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है री रेंडर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने मेमोइज्ड फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रखा है and also we are not passing the show menu state to our child component. अगर हमने पास करी होती तो ये re-render होता हम जैसा देख चुके हैं previously. Now if we increase our count तो यहाँ पे हमारा count increase हो जाता है और जो हमारा child है वो again it gets re-render which is absolutely fine क्योंकि जो इसकी dependency है child component की जो ऊपर state से parent component से state आ रही है इसकी count वो change हो रहा है when we click on these, इसलिए ये component जो है वो दोबारा re-render हो चुका होता है ताकि जो state है वो exactly same यहाँ पर display कर पाए जो change हो रही है हमारे as in parent component में. तो now guys हम ये functions को pass down करेंगे as a prop to our child component to increase and decrease our count और वहाँ से हम handle करेंगे अपनी count state को. तो guys हमने pass कर दिया हमारा increase and decrease count function. So now let's see कि functions as a props pass कराने से हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. तो एज सून एज इंक्रीज एंड डिक्रीज द काउंट द वर्किंग ऑफ द कंपोनेंट्स री रेंडरिंग प्रोसेस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन एंड नाउ एज सून एज आई हिट आवर शो हाइड मेन्यू टॉगल तो आप देख सकते हैं कि व्हेन आई एडेड फंक्शंस एज अ प्रॉप्स टू आवर चाइल्ड कंपोनेंट तो जो हमारा चाइल्ड है उसका री रेंडरिंग प्रोसेस अगेन रन होता है which is absolutely not cool क्योंकि हमें अपना function को memoized रखना है for optimized performance of our application. तो how to make this methods in the way कि जो हमारा child का re-render process है वो ना re-render वो ना run हो when we change our parent's state and जो parent state हम change करेंगे वो उसकी डिपेंडेंसी हम चाइल्ड कंपोनेंट में पास नहीं कर रहे हैं तब भी. तो लेट्स सी गाइस हाउ टू स्टॉप दिस री रेंडरिंग प्रोसेस विच इज़ यू कैन कॉल दिस इज़ एन अननेसेसरी री रेंडरिंग ऑफ आवर चाइल्ड कंपोनेंट. तो हम यहाँ पे गाइस यूज़ कॉल बैक मेथड का यूज़ करेंगे और आई वुड से यूज़ कॉल बैक हुक का यूज़ करेंगे. To wrap our functions within this hook and हम यहाँ पे guys use callback में always dependency pass down कराते हैं. तो now जो dependency हमने यहाँ पे pass कराई है वो होगी for our count because in this function we are handling the state count change. तो इसलिए हमने यहाँ पे use callback में dependency pass down कराई है as a count and now similarly हम यहाँ पे हैंडल डिक्रीज काउंट के हैंडलर को भी सेम वे में रैप कर देंगे हमारे यूज कॉल बैक हुक में. एंड नाउ इफ वी गो अहेड एंड क्लिक ऑन दिस शो हाइड मेन्यू तो नाउ गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है वो इट इज़ एब्सोल्युटली टर्न्ड इनटू अ मेमोइज्ड फंक्शन. जब हम अपना शो हाइड मेन्यू टॉगल कर रहे हैं
previously because of our increase count and decrease count methods passed down to our child component, ये दोबारा re-render हो रहा था. But now, as we have wrapped our functions inside our use callback hook with the dependency of count, जो change नहीं हो रही है on clicking this toggle menu, तो हमारा जो child component है वो भी re-render नहीं हो रहा है. And as soon as I increase count and decrease count, वो भी हमारा app से work fine कर रहा है with use callback hook, and हमारा जो child है वो re-render हो रहा है जब उसकी dependency of props change हो रहे हैं from our parent component. So this is, guys, how you can create a fully memoized component in your React app and create your React app with more fully optimized and performance boosted components. So we are done with the video, guys. I hope you must have liked it, and please do not forget to like, share and subscribe the channel. See you on the other video, guys.